Hey, what's up guys? So I hope कि सारे के सारे मुस्लिम होंगे टोटली चेंज है ना भाई। बोल रहे कि भाई अरबाज भाई ये कहां से रिव्यू देने लगे भाई, क्या करूं, विक्रम बाजार देख के निकला हूं एंड अभी PS1 देखने के लिए जाना है। 10 मिनट में इसी थिएटर के अंदर PS1 भी लगा, मैंने सोचा PS1 भी देखते चले और जो फास्टेस्ट रिव्यू यहीं से चिपका देते हैं, फुल ब्रेकडाउन अपन घर जाके आराम से करेंगे। तो अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं विक्रम वेदा आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। पहली बात तो भाई ऋतिक रोशन के लिए आपको विक्रम मेहता देखनी चाहिए। एंड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, सैफ अली खान ने भी अच्छा काम किया है बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना वो आपको समझाता हूँ। अच्छा एक और चीज भाई, ओरिजिनल विक्रम मेहता से भी बेहतरीन एक्शन, बेहतरीन BGM, हर एक चीज बेहतरीन भाई। मैं आपको क्या बोलूं यार, जिस तरीके से आपको लड़ाई झगड़ा, जिस तरीके से AK-47 चला रहे ऋतिक रोशन, जिस तरीके से भाई इसमें एक्शन हो रहा है ना, ओरिजिनल विक्रम मेहता से भी हटके देखने को मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। एनीवेज अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हो ना तो भाई इस मूवी को इतना एंजॉय करने वाला ना, बिकॉज ऋतिक रोशन फ्लेवर ही चल रहा है। अब मैं आता हूं सैफ अली खान के ऊपर। यार देखो सैफ अली खान या फिर कोई भी बंदा इस मूवी के अंदर होता ना तो भाई वो पानी कम चाय लगता था, क्योंकि ऋतिक रोशन के सामने ऋतिक रोशन को मैच कर पाना, ऋतिक रोशन को भाई फाइट दे पाना, ये मुश्किल होता है भाई। ऋतिक रोशन लाइक किसी मूवी के अंदर हो, ऊपर से विलन के रोल में हो, ऋतिक रोशन ने जिस हिसाब का एक्टिंग इसके अंदर किया है ना, उस वजह से सैफ अली खान पानी कम चाय लग रहा है, क्योंकि भाई सैफ अली खान ने भी अच्छा काम किया बट वो ऋतिक रोशन को कहीं से भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। अगर ऋतिक रोशन एंड सैफ अली खान कॉम्बिनेशन जबरदस्त लग रहा है बट ऋतिक रोशन पूरे पूरा आउट ऑफ क्लास एंड पूरे पूरा भाई खा गया सैफ अली खान को, पूरी पूरा खा गया। एनीवेज मूवी की बात करते हैं भाई, मूवी के अंदर ऋतिक रोशन का जिस तरीके से काम देखने को मिला है ना, जिस तरीके से भाई एक्शन और ऋतिक रोशन का, जिस तरीके से इस मूवी के अंदर जब बैकग्राउंड म्यूजिक, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ऋतिक रोशन का एंट्री होता है, वो AK-47 चला रहा है, वो तलवार से काट रहा है, वो हथौड़े से मार रहा है, क्लाइमेक्स में सैफ अली खान के साथ मिलकर जो क्लाइमेक्स में जो फाइट होता है भाई, देख के जो मजा आता है, जो फील आता है, एकदम मजा आ जाता है। ऊपर से वो अल्कोहल या सॉन्ग जब थिएटर में बज रहा है, जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने वहां पर डांस किया है भाई 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 भाई, मतलब क्या डांस करता है बंदा, एकदम जबरदस्त यार। इस मूवी के अंदर आपको फाइट देखने को मिलेगा, एक्शन जबरदस्त देखने को मिलेगा, आपको इमोशन देखने को मिलेगा, ऊपर से जो क्लाइमेक्स, अगर आपने ओरिजिनल विक्रम मेहता नहीं देखी ना, उसका क्लाइमेक्स आपको पूरे के पूरा हिला देगा कि भाई ये क्या से क्या हो गया। और भाई ऋतिक रोशन बार 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 अपनी कहानियों से जिस तरीके से भाई मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते रहते, जिस तरीके से एक के बाद एक पत्ते फेंक रहे और वो पत्ता कहां पे जाके खुलेगा ये देखने वाली बात रहती है, मतलब जबरदस्त यार। इसका BGM एंड ऋतिक रोशन ने तो भाई क्या कमाल का काम किया यार, जबरदस्त। एंड भाई वहां पर सैफ अली खान की वाइफ जो कि भाई वकील होती है, वो किस तरीके से कुरियर का काम करती है विक्रम मेहता के बीच, सैफ अली खान एंड ऋतिक रोशन के बीच, ये देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। देखो ओवरऑल अगर मैं बात करूं यार, देखो मूवी जबरदस्त है, स्पेशली भाई ऋतिक रोशन के काम के लिए, ऋतिक रोशन के परफॉर्मेंस के लिए, ऋतिक रोशन के एक्टिंग के लिए आपको मूवी देखना चाहिए। एंड मुझे यार पर्सनल यार इसका एक्शन, जिस तरीके से इसके अंदर एक्शन दिखा है, जिस तरीके से ऋतिक रोशन ने काम किया है, जिस तरीके से ऋतिक रोशन का स्वेग इसमें देखने को मिलता ना, मेरे को पर्सनली ओरिजिनल विक्रम मेहता से भी ज्यादा अच्छे वाइब्स आए इस मूवी के अंदर। मेरा पर्सनली मानना है कि मेरे को ओरिजिनल से भी ज्यादा इसके अंदर मजा आया है। एनीवेज भाई मैं तो बोलूंगा भाई जाओ इस मूवी को देखने के लिए जाओ, मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 4 स्टार। एंड भाई मैंने तो एकदम एंजॉय किया है, और ऋतिक रोशन का एक्शन हो, ऋतिक रोशन का डांस हो, ऋतिक रोशन का परफॉर्मेंस हो, या फिर ऋतिक रोशन का स्वेग हो, जिस तरीके से बंदे का लुक है, जब वो हथौड़ा चला रहा है, जब वो तलवार से काट रहा है, जब वो AK-47 चला रहा है। एंड भाई एक मूवी के अंदर एक और सीन है यार भाई, जूने गाने इसके अंदर बजते रहते और ऋतिक रोशन फाइट करता रहता है भाई, वो भी क्या वाइब्स देता है यार, वो भी क्या फील देता है, एकदम मजा आ गया यार देख के। मैं तो सोच रहा था कि भाई आने वाले टाइम में ना इसको रिपीट मोड करना चाहिए, कि जूने जमाने के जो आज से 30-40-50 साल पहले के जो सॉन्ग है ना, उसको बैकग्राउंड में लगा और भाई हीरो हीरोइन को बोलो नाचो यार, क्योंकि आज का टाइम में कुछ सॉन्ग बनते हैं यार, जो ओरिजिनल के जो जूने जमाने के जो सॉन्ग थे ना, उसको सुनने का वाइब्स ही अलग आता है। इसको देखिए काफी मैंने इसको एंजॉय किया। एनीवेज यार भाई मैंने तो विक्रम मेहता को काफी एंजॉय किया है भाई, इसको देखो एंड एंजॉय करो ऋतिक रोशन के स्वेग को। एंड मैं इस मूवी को दूंगा 5 में से 4 स्टार। एंड जल्दी मिलते हैं पुन्यान सेल्वन 1 Chapter 1 के रिव्यू के साथ। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड लव यू।